आईपीएल में एक बार फिर क्रिकेट फैंस को एक दिन में एंटरटेनमेंट का डबल डोज मिला। बात पहले मुकाबले की करें तो गुवाहाटी के मैदान में टॉस हारने के बाद राजस्थान के रॉयल्स ने बल्ले से जमकर कहर बरपाया। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और इंग्लिश बैट्समैन जॉस बटलर ने दिल्ली के गेंदबाजों को लाइन और लेंथ पकड़ने का मौका ही नहीं दिया और पहले विकेट के लिए दोनों ने 98 रनों की साझेदारी कर डाली। इसके बाद तो रही सही कसर इंडीज बल्लेबाज हितम्यार ने पूरी कर दी और 20 ओवर की समाप्ति पर राजस्थान का स्कोर 199 रन हो गया और दिल्ली को 200 का टारगेट मिला। लक्ष्य बड़ा था, लिहाजा कैपिटल्स के ओपनर से टीम को काफी उम्मीदें थी, लेकिन पृथ्वी शॉ बिना खाता खोले पवेलियन लौटे तो कप्तान वार्नर ने मोर्चा संभाला। लेकिन मनीष पांडे के भी बिना खाता खोले पवेलियन लौटने से दिल्ली बैकफुट पर चली गई और वार्नर की कप्तानी पारी भी दिल्ली को जीत ना दिला पाई। वहीं बात वानखेड़े में हुए मैच की करें तो यहां भी एक तरफा मुकाबले से फैंस को निराशा हाथ लगी। दरअसल चेन्नई ने टॉस जीतकर मुंबई को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया, लेकिन एक बार फिर इंडियंस की फ्लॉप बैटिंग का सिलसिला भी जारी रहा। न रोहित का बल्ला बोला, न ईशान कोई कमाल कर पाए। सूर्य कुमार यादव तो जैसे बल्लेबाजी ही भूलते दिखे। बल्लेबाजों के फ्लॉप शो की बदौलत मुंबई ने माही के मतवालों को 158 रनों का टारगेट दिया। हालांकि येलो आर्मी की शुरुआत भी खराब रही और कन्वोय शून्य पर अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन इसके बाद ऋतुराज और अनुभवी रहाणे ने मोर्चा संभाला और टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया। पवेलियन जाने से पहले रहाणे के बल्ले से 61 रन निकले तो वहीं ऋतुराज ने 40 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसकी वजह से चेन्नई ने मुंबई को उसी के घर पर 7 विकेटों की करारी शिकस्त दी।